नमस्कार दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कदम यूपीआई है। ये वो टेक है जिससे अमेरिका डरा हुआ है। ये वो टेक है जिससे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भारत का डंका बजने वाला है। वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों की हालत भी इससे ख़राब हो रही है। और तो और, अब यह फ्रांस में एंटर करके भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट देने वाला है। आखिर यूपीआई है क्या, इसे किसने बनाया और यह किस तरीके से भारत को फ़ायदा दे रहा है, आइए आज के इस वीडियो में इस यूपीआई के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। यूपीआई मास्टर कार्ड की हालत क्यों खराब हो रही? दरअसल यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है, लेकिन इससे पहले भी RTGS, NEFT और IMPS जैसे ऐप थे, तो यूपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, हर सिस्टम को एक जरूरत के हिसाब से लाया गया। RBI ने सन 2000 में RTGS को सबसे पहले लाया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 2 लाख तक पेमेंट तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक की डिमांड पर NEFT ऐप को भी लाना पड़ा, जिसमें 2 लाख से कम पेमेंट तक को भी तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता था। पर इन सारे पेमेंट मेथड्स में जो हम किराने, होटलों या रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं, वैसी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए RBI के एक ब्रांच NPCI ने 11 अप्रैल 2016 को UPI को लॉन्च किया। अगस्त 2016 में फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने UPI को अपने ऐप में कनेक्ट कर लिया। सितंबर 2016 में जियो के आ जाने से इंटरनेट काफ़ी बढ़ गई और इन ऐप के माध्यम से UPI ग्रो करने लगा। और नवंबर 2016 में UPI को बूस्ट और ज़्यादा मिला, क्योंकि उस समय नोटबंदी हो गई थी। अब आते हैं वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही दिन पहले फ्रांस में थे। बेस्टिल डे सेलिब्रेशन के लिए उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था। इसी दौरान हमें एक गुड न्यूज़ सुनने को मिली, वो ये कि भारत और फ्रांस ने एक पार्टनरशिप शुरू की है, जिसमें UPI अब फ्रांस में भी चलेगा। मतलब अब हर इंडियन फ्रांस में रुपये में भी लेन देन कर सकेगा, और इसकी शुरुआत फेमस मॉन्यूमेंट एफिल टावर से शुरू की जाएगी। UPI भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है, जो अब ग्लोबल नक्शे पर भारत को बैंकिंग सुपर पावर बना सकती है। हर साल 14 जुलाई को फ्रांस बेस्टिल डे सेलिब्रेट करता है। पेरिस में बेस्टिल नाम का एक जेल था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इस जेल पर पेरिस के आम जनता ने अटैक किया और फ्रेंच राजा ने कैद किए आम जनता को छुड़वाया। ये मूवमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में थे। जैसे भारत में रिपब्लिक डे पर परेड होती है, वैसे ही इस दिन फ्रांस में भी परेड होती है। इसी सिंबॉलिक डे पर हमारे प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप सामने लाई, और वो ये कि भारत के टूरिस्ट फ्रांस के एफिल टावर में UPI के माध्यम से इंडियन रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। UPI अब फ्रांस में एक्टिव होने जा रहा है, ये अनाउंसमेंट तो अब हुई, लेकिन इसके पीछे की काम की शुरुआत NPCI ने एक साल पहले ही कर दिया था। जून 2022 में NPCI ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक MOV साइन किया था। यूजुअली जब कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल करता है, तो उसके पास पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, फॉरेन करेंसी कैरी करो, यानी फ्रांस में ट्रैवल करते समय आपको अपने इंडियन रुपीज यूरो में कन्वर्ट करने पड़ते हैं और कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, फॉरेक्स कार्ड ले लो, ये यूरोस खरीदने जैसा ही हुआ, लेकिन इसमें यूरोस आपके हाथ में नहीं, आपके कार्ड में सेव होता है और कार्ड स्वाइप करने पर ये यूरोस यूज होते हैं। अब दोनों मेथड में प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वर्जन रेट हमेशा बैंक के फेवर में होते हैं, यानी खरीदते समय एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर हम बाई करते हैं और सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम प्राइस में हमें सेल करना पड़ता है। साथ ही ये प्रीलोडेड कार्ड्स होते हैं, मतलब हमें ट्रैवल करने के पहले ही ये अनुमान लगाना होता है कि कितना खर्चा होगा। अगर खर्चा हमारे अनुमान से ज़्यादा हुआ, तो हमें ट्रैवल के समय एक्स्ट्रा पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और अगर खर्चा कम हुआ तो बचे हुए पैसे आपके पास ही रहते हैं, जिन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नंबर 3, इस मेथड में आप इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट अनेबल है, तो आप अपने इंडियन कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है, जिसमें 1% से 3.5% तक मार्कअप चार्ज लग जाते हैं। यानी इन तीनों मेथड में इंडियन टूरिस्ट का किसी न किसी तरीके से नुकसान होता ही है, लेकिन अब UPI ये सारी प्रॉब्लम सुलझाने वाला है।
इस साल 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है। G20 के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इस दौरान भारत में कई इंटरनेशनल लीडर्स आए और इस मौके का उपयोग भारत ने UPI के बेनिफिट बताने के लिए किया। उन्होंने ये बताया कि UPI कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है। इसका रिजल्ट 13 फरवरी 2023 को देखने को मिला, जब मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया कि 13 देशों में अब UPI एक्टिव होंगे। आज वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी कई कंपनियां इंटरनेशनल पेमेंट पर राज करती है और मनचाहा चार्ज लगाती है। आपको शायद ये पता ना हो कि जब आप कार्ड स्वाइप से पेमेंट करते हैं तो उसका सारा पैसा दुकानदार को नहीं जाता, उसमें से कुछ चार्ज कट कर ये कंपनियों तक पहुंच जाते हैं। सिंगापुर एशिया का सबसे रिचेस्ट देश है। पर फैमिली इनकम की बात की जाए तो सिंगापुर का पर फैमिली इनकम $67,000 है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। सिंगापुर का टोटल पॉपुलेशन का 9% इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 में सिंगापुर से भारत $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉस, फीस और बॉर्डर चार्जेस के तौर पर ऑन एन एवरेज पर पेमेंट पर 24 घंटे लग जाते हैं और $200 ट्रांसफ़र करने के लिए $3 से $6 तक की फीस भी लग जाती है। फरवरी 2023 में सिंगापुर और भारत के बीच एक इम्पॉर्टेंट साझेदारी हुई, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू हुआ। इससे इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में स्टडी करते हैं उन्हें रुपीस में पैसे भेजे जा सकते हैं। इंडियन सप्लायर से सामान खरीदने के लिए पेमेंट UPI में किया जा सकता है, और तो और अगर सिंगापुर में किसी कंपनी से सामान खरीदा जा रहा है तो पेमेंट UPI से ही किया जा सकता है। बैंकिंग की बात करें तो हमारा देश पूरी दुनिया में 3rd रैंक पर आता है। 2030 तक हमारे देश की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जो कि आज से लगभग डबल होगी। 5G ईरा में भारत बैंकिंग सुपर पावर बनने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 80% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू इंडिया में होने वाले बैंक अकाउंट्स का नंबर कंटिन्यू बढ़ा है। बैंक अकाउंट होना हालांकि एक कॉमन बात है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए सुपर पावर है। हाथ में होने वाला कैश खर्च हो जाता है, लेकिन बैंक में होने वाला पैसा सेव रहता है, इन्वेस्ट होता है और आपको बेनिफिट देता है। बढ़ते बैंक अकाउंट की संख्या एक प्रूफ है कि भारत आगे बढ़ रहा है। UPI एक रिवॉल्यूशन ही है। आज हर कोई 1 रुपए से 1 लाख तक, इस एप्पल से इस एप्पल तक UPI के माध्यम से खरीद सकते हैं। सन 1999 में कारगिल वार के दौरान अमेरिका ने GPS सिस्टम से भारत को कट ऑफ कर दिया था। इसमें अमेरिकन लीडर जॉन कॉनली की वो बात याद आती है, डॉलर इज अवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम। UPI के सारे ट्रांजेक्शन किसी न किसी इंडियन बैंक से रिलेटेड रहते हैं। इसके थ्रू हम डॉलर को टच किए बगैर इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसीलिए UPI का इंटरनेशनल होना हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में UPI भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहां दूसरे देश सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। UPI के माध्यम से हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक सोशल रिवॉल्यूशन था, ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अब भारत के ट्रैवलर अन्य देशों में भी UPI से इंडियन रुपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी टैक्स और चार्ज के। UPI से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।